जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैंडिडेट्स का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। और सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आ चुका आपका परिवार डिफेंस चैंपियन, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 01/2024 का आप लोगों को काफी समय से इंतजार था, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। तो आप लोगों को इंतजार है कि डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं, तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे और कैसे क्या प्रोसेस होगी तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट आपको मिलता रहे। इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे आप इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एनडीए या आर्मी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर कर दिया होगा, तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो के एंड पॉइंट तक बने रहना कंप्लीट जानकारी के साथ, कोई भी पॉइंट स्किप मत करना ताकि वो जानकारी आप तक ना पहुंच पाए, ऐसा ना हो। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को एंड पॉइंट तक देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि है 01/2024 बैच का है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। और यहां पर अग्निवीर वायु इंटेक 01/2024 के लिए है अग्निपथ स्कीम के तहत। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सबसे पहले बात करते हैं और आपके एग्जामिनेशन की सबसे पहले बात करते हैं, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका 27 जुलाई से, यानी आने वाली 27 जुलाई से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 17 अगस्त 2023 तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। तो आपका रजिस्ट्रेशन जल्द ही स्टार्ट होगा, ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास। और एग्जाम डेट की बात करते हैं, सबसे पहले बड़ा अपडेट यही होता है कि एग्जाम कब तक होगा। तो यहां पर एग्जाम आपका जो होने वाला है 13 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। भैया आप देख सकते हैं, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फीमेल कैंडिडेट्स हो, तो आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो 4 चांद आपको लगाना होगा तैयारी के अंदर, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको लगभग अच्छा खासा समय दिया जा रहा है, 2.5 से 3 महीने का, तो इसमें आप आराम से पेपर को करेक्ट कर सकते हैं। भैया जी ये बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं आप सभी कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ी जो बात होती है डेट ऑफ बर्थ को लेकर। तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ को देख सकते हैं और जो आपका क्वालिफिकेशन है वो वही सेम रखा जाता है। तो जो अपना बात करते हैं, सबसे पहले ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है 27 जुलाई 2023 से स्टार्ट होगा 10 बजे से, और आपका यहां पर हो जाएगा 17 अगस्त 2023 को शाम को, यहां पर 23 बजे लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 11 बजे यहां पर आपका जो है स्टॉप हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से मैं भी समझ पाए होंगे। अब मैं बात करता हूं यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से जो कि यहां पर इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने निकल के आ रही है। और यहां पर डेट ऑफ बर्थ देखते हैं सबसे पहले एज लिमिट के अंदर, तो यहां पर सबसे पहले तो आप सभी लोग सुनेंगे कि अनमैरिड होना चाहिए, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फीमेल कैंडिडेट्स हो, दोनों के दोनों के अविवाहित यानी अनमैरिड होने चाहिए, शादीशुदा नहीं होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की तो 27 जून 2003 से लेकर 27 जून 2003 से लेकर 27 दिसंबर 2006 जिस भी किसी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ, यानी चाहे मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो, तो 27 जून 2003 है तो भी वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, और 27 दिसंबर 2006 है तो भी वो कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर पाएगा, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए लागू होता है। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूं इनके बीच में जिन भी कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ आती है, जैसे कि 2004 वाले हैं 2005 वाले हैं, तो वो कैंडिडेट्स भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ दोनों अच्छे से सुन लीजिएगा, 27 जून 2003 से लेकर और आपका 27 दिसंबर 2006 तक वो सभी कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इनटेक 01/2024 के अपन बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं भाई आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो पहले रहता था आपका, जो यहां पर साइंस सब्जेक्ट यानी पहले होता था एक्स ग्रुप, तो अभी क्या है इसका नाम बदलकर साइंस सब्जेक्ट कर दिया है। बारियों में आपके एग्रीगेट जो है 50% होने चाहिए और इंग्लिश के अंदर भी 50% होने चाहिए। तो आप एक्स ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं यानी साइंस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो नए कैंडिडेट्स पहली बार आ रहे हैं उनको मैं बता देता हूं अच्छे तरीके से, और पहले से आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर आपके पास पीसीएम होना चाहिए, लेकिन यहां पर स्पेशल लिखा हुआ है कि आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, तो आपके पास फिजिक्स और मैथ है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, इंग्लिश तो होना ही होना चाहिए। तो यहां पर फिजिक्स और मैथ जिनके पास है वो कैंडिडेट्स एक्स ग्रुप में यानी साइंस सब्जेक्ट में अप्लाई कर पाएंगे, या इसके अलावा कोई डिप्लोमा है इनमें से तो आप देख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, बहुत सारे डिप्लोमे हैं, बहुत सारे डिप्लोमा यहां पर दिए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस है, तो वो सारी यदि आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट की, तो यहां पर भी आपका 10+2 में पास होना चाहिए, आपके पास साइंस के अलावा चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट हो तो आप इसमें जो है आराम से अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे आपके पास आर्ट है या बायो है कुछ भी है, तो आप इसमें यानी अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाई
ग्रुप में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन। अब यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर देखिएगा हाइट की, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होता है 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए है आपका 152 सेंटीमीटर, और यहां पर जो विशेष पहाड़ी इलाकों से आते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है उनके लिए 147 सेंटीमीटर भी इस बार बदलाव करके लिखा गया, तो आप लोग देख पाएंगे। और यहां पर आपका आई विजन वगैरह सब डिटेल्स आपको दी गई है, वही सेम सिलेबस रहेगा, 10+2 बेस पे रहेगा, और आपका जो है यहां पर एडमिट कार्ड है वो पहले ही आ जाएगा, यानी फेज वन का जो एडमिट कार्ड की बात करें अपने ऑनलाइन जो एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड आपको जो है पहले अपडेट कर दिया जाएगा, पहले आपका एग्जाम डेट सीटी आएगा उस 48 से 72 घंटे पहले आपका जो है डैशबोर्ड में आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। पूर्णतः रूप से यहां पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है, तो आपका एग्जाम का डेट भी पहले से आया हुआ है, आप लोगों ने देख लिया होगा, और बाइलिंगुअल होने वाला, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और यहां पर आपका सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से दिया हुआ है, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है 1/4 की, यानी 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बता दिया गया है, आप लोगों के पास ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए 10th और 12th का, और आपका थंब इंप्रेशन लगेगा, आपका जो फोटो है वो सिलेक्ट वाला होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो अपडेट है आप लोगों के लिए वो है कि आपका जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब आप बात करेंगे कि सर ये नोटिफिकेशन कहां पर है, कैसे मिलेगा, ये क्या प्रूफ के साथ आप कह सकते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये नोटिफिकेशन जेन्युइन नोटिफिकेशन है, आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा और आपकी वेबसाइट पे सबसे पहले मिलेगा, डिफेंस चैंपियन की वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि काफी लोगों को इंतजार था कि हमारा जो है नया इनटेक यानी 01/2024 कब तक आने वाला है और इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई है, आशा और उम्मीद करता हूं यदि जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगामी अपडेट्स आप सभी कैंडिडेट्स तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।